हेलो व्यूअर्स, दिस इज प्रिया। टुडे वी विल स्टार्ट क्लास 6 सिविक्स चैप्टर 7 रूरल लाइवलीहुड्स। रूरल मतलब होता है विलेज वाला एरिया। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो विलेज वाले एरिया में पीपल रहते हैं उनका लाइवलीहुड कैसा है। लाइवलीहुड बोले तो जो डेली का उनका खर्चा है घर का, वो कैसे चलाते हैं, क्या उनका काम होता है जिससे वो मनी को अर्न कर पाते हैं और अपना गुजारा कर पाते हैं। यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है। तमिलनाडु की सी कोस्ट पे एक विलेज होता है जिस विलेज का नाम होता है कल्पट्टू। वहाँ पे एक विमेन काम करती है जिसका नाम होता है तुलसी। अब तुलसी जो है ना, रामलिंगम के लैंड पे जाती है काम करने के लिए। रामलिंगम एक लार्ज फार्मर होता है। तुलसी यहाँ पे राइस को, जिसको हम पैडी भी बोलते हैं, उसको हार्वेस्ट करती है। जब पूरा क्रॉप ग्रो हो जाता है ना, तब उसको हार्वेस्ट किया जाता है, काटा जाता है। इस काम के लिए तुलसी को ओनली 40 रुपीस मिलते हैं एक दिन के। तुलसी के हस्बैंड भी इसी फार्म में काम करते हैं। वो पेस्टिसाइड को स्प्रे करते हैं जिससे कि क्रॉप पे कोई भी पेस्टिसाइड ना लगे, कोई भी कीड़ा ना लगे। ये सारा काम ओनली 2 मंथ के लिए होता है। बाकी के टाइम पर पूरे ईयर ये लोग खाली बैठे रहते हैं, इनके पास कोई काम नहीं होता है, तो इनको अपना गुजारा करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से इनको उधार लेना पड़ता है मनी लैंडर से। मनी लैंडर वो पीपल होते हैं जो मनी को उधार देते हैं लोगों को और इंटरेस्ट लेते हैं उन लोगों से। फिर इसी विलेज में एक और फार्मर है जिसका नाम है शेखर। ये स्मॉल फार्मर है, इसके पास छोटा सा लैंड है। उसमें एक क्रॉप को ग्रो करता है, कुछ क्रॉप को ये घर के लिए रख लेता है और कुछ क्रॉप को ये सेल कर देता है मार्केट में। इसे भी कभी कभी मनी लैंडर से मनी लेना पड़ जाता है, क्योंकि उसको सीड परचेज करना पड़ता है, फर्टिलाइजर लेना पड़ता है, पेस्टिसाइड लेना पड़ता है अपने फार्म के लिए, और इसके पास इतना पैसा होता नहीं है। तो बाद में जो मनी लैंडर्स होते हैं ना, वो इसको फोर्स करते हैं कि जितना भी तुम क्रॉप को ग्रो करोगे, जो भी राइस तुम ग्रो करोगे, वो तुम हमें सेल करोगे। कभी कभी तो इन स्मॉल फार्मर की क्रॉप खराब भी हो जाती है, क्योंकि सीड्स अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है और जो पेस्ट होते हैं, जो कीड़े होते हैं, उन पे अटैक कर देते हैं और खराब कर देते हैं क्रॉप को। और कभी कभी तो रेन नहीं आती है, बारिश नहीं आती है, तो क्रॉप ग्रो ही नहीं हो पाती है। इस वजह से कई बार इनका बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है और पूरे ईयर तो क्रॉप ग्रो होती नहीं है। तो बाकी के टाइम पर ये क्या करते हैं, जो रामलिंगम का राइस मिल है ना, वहां पे जाके काम करते हैं। रामलिंगम की खुद की राइस मिल भी होती है और खुद की सीड्स वगैरह की शॉप भी होती है। तो रामलिंगम तो बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि उसकी खुद की लैंड भी होती है, वो सीड को भी सेल करता है और उसकी राइस मिल भी होती है जहाँ पे राइस को अच्छे से साफ किया जाता है। इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि सबसे अच्छी कंडीशन रामलिंगम जैसे जो लार्ज फार्मर होते हैं उनकी होती है, और सबसे बैड कंडीशन तुलसी जैसे फार्मर्स की होती है जिनके पास खुद का लैंड ही नहीं होता, वो लैंडलेस होते हैं। और जो शेखर जैसे फार्मर होते हैं, स्मॉल फार्मर्स होते हैं, वो भी एक तरीके से बैड कंडीशन में ही रहते हैं, लेकिन उनकी कंडीशन तुलसी जैसे फार्मर से तो अच्छी ही होती है, क्योंकि कम से कम उनके पास एक छोटा सा लैंड तो होता है अपना। एक और स्टोरी है पुडुपेट विलेज की। पुडुपेट विलेज कालपट्टू विलेज के पास में ही है। वहाँ पे एक वीमेन होती है जिसका नाम होता है अरुणा। वो बताती है कि हम लोग फिशिंग का काम करते हैं क्योंकि हम सी कोस्ट के पास रहते हैं, और मेरे हस्बैंड हैं वो भी यही काम करते हैं, तो हम लोग फिश को कैच करते हैं सी में से और ले जाके मार्केट में बेचते हैं। लेकिन ये काम हम पूरे साल भर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मॉनसून के टाइम पे जब बारिश आती है ना, तब हम फिश को कैच कर ही नहीं पाते हैं नेट में, और कभी कभी तो सुनामी आ जाती है, तो इस वजह से हमें पूरे साल भर काम करने को नहीं मिलता है। अभी तक हमने जो भी स्टोरीज पढ़ी उसमें हमें यही देखने को मिला कि जो फार्मर्स होते हैं उनको पूरे साल भर काम करने को नहीं मिलता है। और विलेज में पीपल बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि कोई एग्रीकल्चर में काम करता है, तो कोई फिशिंग में काम करता है, तो कोई डेयरी प्रोड्यूस में, जैसे काओ वगैरह का मिल्क जो होता है वो बेच के फिर मनी अर्न करते हैं, तो अलग अलग काम करते हैं विलेजेस में। इस चैप्टर में एक टर्म है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग मतलब होता है जब माउंटेन वाले एरिया पे स्टेयर्स जैसे बनाया जाता है, जैसे सीढ़ियाँ होती है ना, इस टाइप से बनाते हैं और उसके बाद वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं और पानी को रोक के रखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे ग्रीन कलर की
बाउंड्री है और उसमें पानी को रोका गया है। उस पानी में राइस की कल्टीवेशन होती है। इंडिया में अगर हम देखें रूरल फैमिलीज में, तो 5 रूरल फैमिलीज में आपको एटलीस्ट 2 रूरल फैमिली एज अ एग्रीकल्चर लेबरर मिलेगी। वो लोग एग्रीकल्चर में ही काम करते होंगे। इस चैप्टर को मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। इफ यू हैव एनी डाउट, राइट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।